र्यूमर्स है। अब आप बताएं कि 200 तक जब डॉलर पहुंच जाए तो फिर इस मुल्क की इकॉनमी के पल्ले क्या रह जाए, और इस तरह से जो है वो मुल्क जो है वो जिस महंगाई की दलदल में जो है वो फंस रहा है, उसके बाद एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, तनख्वाहदार आदमी जो है, वो किस तरह से जो है वो अपना गुजारा कर सके। अपोजिशन जो है, PMLN PDM जो है वो हम मैदान में मौजूद हैं कि ये नाअहल नालायक ओबाश टोला जो है ये इस मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है, ये मुल्क को तबाह करने की तरफ लेके जा रहा है। अब भी वक्त है कि आवाम निकले, लोग अपोजिशन का वो बच सके, वरना ये ओबाश टोला जो है इसे अगर और कोई 2-4-6 माह मिलते हैं तो ये इस मुल्क की इकॉनमी का और इस मुल्क का इस दर्जा पे नुकसान कर जाएंगे कि उसके बाद शायद किसी को जो है वो उसे बेहतर करने की भी जो है वो सलाहियत जो है वो ना हो। तो इसलिए ये आवाम से भी और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ये अपील है हमारी कि अब वो वक्त आ चुका है कि मुल्क को बचाने के लिए और इस ओबाश टोले को, इस नाअहल और नालायक टोले को घर भेजने के लिए जो है वो आवाम जो है वो आगे आए, वरना ये मुल्क को तबाही की तरफ जो वो लेके जाए। अच्छा सब ये भी बताइएगा कि 33,000 वोट लेने के बाद पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में सर उठा रही है और बिलावल भुट्टो भी आ गए हुए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? क्या दोबारा पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में खुद को मुतहर्रक करती है? तो पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और सियासी जमातों के दरमियान जो है एक सेहतमंद मुकाबला जो आवाम का हक है, वो जहाँ चाहें जिसको चाहें, जिसका प्रोग्राम, जिसका जो है वो बाजी, जिसका हाल उन्हें बेहतर लगे उस जमात को जो है वो वोट दें, लेकिन वोट के साथ जो रिज़ल्ट मुरतब हो उसको तस्लीम किया जाए, ये नहीं कि वोट के रिज़ल्ट को तब्दील किया जाए और इस किस्म का नालायक और नहल टोला जो है ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाए। जिन लोगों ने इसे मुसल्लत किया, जिनका इनको इस मुल्क पर मुसल्लत करने में किरदार है, अब उन्हें भी चाहिए वो खुदा का खौफ करें, इस मुल्क इस कौम के ऊपर रहम करें और इस टोले को जो है वो जिस तरह से उन्होंने मुसल्लत करवाने में जो है वो इनकी मदद की है, तो आप वो आवाम की मदद करें ताकि इससे छुटकारा हासिल हो। अच्छा राणा साहब, एक और बात होती थी कि आसिफ जरदारी साहब के ने किया अपना जश्न मनाया अपनी जीत का, जो उन्होंने 33,000 वोट, वहाँ पर नारे लगे शेर का शिकारी जरदारी, दूसरी जानेब वो PDM में आपके साथ बैठ जाते हैं, तो ये तो खुला तजाद हो गया। नहीं, इसमें देखे जो इंतखाबी जलसे होते हैं उसमें थोड़ा बहुत तजावज़ हो जाता है नारों में भी और तकारीर में भी, तो उसे वैसे इतना दिल पे नहीं लेना चाहिए। बहरहाल जरदारी साहब ने जो बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन होने के नाते, साबिक सदर होने के नाते, उन्हें चाहिए कि वो अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए जो है वो बेहतर अल्फाज का चुनाव किया गया। थैंक यू सर।